आपने इन विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टियों के कई बड़े बड़े प्रचार रथ देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे अजब गजब प्रत्याशी से मिलवाने जा रहा हूं जो कि पूरे समय साइकिल से अपनी पार्टी का प्रचार करता है। जी हां, सिर्फ साइकिल से। मैं बात कर रहा हूं बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के प्रत्याशी एडवोकेट दिनेश कुशवाहा की, जो कि पिछले 3 सालों से अपनी इस देसी साइकिल से अपनी पार्टी का लगातार प्रचार कर रहे हैं। आइए दिनेश जी से बात करते हैं और पता लगाते हैं उनकी इस अजब गजब प्रचार साइकिल के पीछे क्या राज छुपे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं बीएसपी के प्रत्याशी दिनेश कुशवाहा जी के पास, जिन्होंने एक अनोखे अंदाज के साथ अपनी पार्टी का प्रचार करना शुरू किया है। आप देख सकते हैं ये जो साइकिल है, इस साइकिल में झंडा लगाकर और किस तरीके से 100 कदम के साथ चले मंजिल मिल जाएगा, इसको लेकर उन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार किया है। दिनेश जी पिछले 3 सालों से ही साइकिल पे ही चलकर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आइए दिनेश जी से इस बारे में बात करते हैं। दिनेश जी, इसको लेके कई लोग कोई गाड़ी से कर रहा है, 4-व्हीलर से कर रहा है, आप साइकिल से ही क्यों कर रहे हैं प्रचार? सर, सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को, जहां तक मेरी आवाज आ रही, सबको सादर नमोदय, जय भीम पहुंचे। मैं एडवोकेट दिनेश कुमार कुशवाहा, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, और अभी माननीय बहन जी के आशीर्वाद से मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा जी। आपका प्रश्न है कि मैं आज के से इवन कहा जाए तो आवाज यहाँ से प्रचार हो रहे हैं। ये मॉडर्न जमाने का युग है दिनेश जी, साइकिल से आजकल लड़के नहीं चलते हैं, आप प्रचार कर रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है, उद्देश्य का जो है मेरी, कि गरीब तबके का समाज का व्यक्ति जो समाज सेवा को उद्देश्य आगे आना चाहता है, वो अपने न्यूनतम संसाधन में अधिकतम प्रयास करते हुए समाज के बीच में उपस्थित रहे और अपनी सेवाओं देने का अपना कर्तव्य निष्ठा से सामने आए, इस उद्देशिका से मैंने साइकिल को अपना मूल प्रचार वाहन बनाया है। वैसे तो दिनेश जी 2 बार विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें इसमें जीत अभी तक नसीब नहीं हुई है, लेकिन उनका जज्बा, उनका हौसला अभी भी लगातार बरकरार है। सर, ये मेरा विधानसभा चुनाव दूसरा है, अभी 18 और 23 ये लगातार 2 चुनाव हुए मेरे, बीच में मैंने पार्षद चुनाव अपनी पत्नी को यहाँ से अपने वार्ड से लड़ाया था। किसी चुनाव में आपको जीत मिली? बहुजन समाज पार्टी जबलपुर में जीत की तरफ अभी नहीं बढ़ पाई थी। मैं इसको लेकर ये पूछना चाहूंगा दिनेश जी, आपने 2 विधानसभा चुनाव लड़े, आपने अपनी वाइफ को भी पार्षद का चुनाव लड़ाया, अब साइकिल से लगातार प्रचार कर रहे हैं, आपका ये जोश, ये जज्बा आपको कहाँ से मिल रहा है कि आप 2 बार चुनाव हार गए उसके बाद भी लगातार आपका प्रचार जारी है और आप चुनाव लगातार करते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं? जी सर, जैसे कि हमने बताया कि हम बेसिक कार्यकर्ता, ये हमारी मदर पार्टी है जी, और इसके लिए समाज में इस जागरूकता को स्थापित रखने के लिए कि समाज अपनी न्यूनतम संसाधन, इस बात को दोहराते इसलिए जा रहा हूँ, जैसे विद्यार्थी को जरूरी बात कई बार बतानी पड़ती है कि अपने न्यूनतम संसाधन से आप अधिकतम प्रयास करें, नहीं तो चुनाव इतने महंगे हो जाएंगे कि गरीब तबके का व्यक्ति साहस भी नहीं करेगा चुनाव लड़ने का। इस साहस को बढ़ाने के लिए कि मेरा कर्तव्य है कि मैं एक उदाहरण के तौर पर साइकिल से मेहनत कर रहा हूँ। अजब गजब आपकी साइकिल है दिनेश जी, और अजब गजब आपका तरीका है, लगातार आप चुनाव साइकिल के दौरे पे करते रह रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल दिनेश जी आपसे ये है कि आप ये जज्बा आप अपना बताइए कि आप लगातार करते हैं, आप थकते नहीं हैं? नहीं, थकने का क्या, अभी सोल्जर हैं। क्या उम्र है दिनेश जी आप? अभी मैं 43 का हुआ। 43 साल की उम्र में दिनेश जी, आजकल 20 साल की उम्र में लड़के आप पूरा शहर इतना बड़ा जबलपुर, आपको एक जैसे कोई भी हो, खिलाड़ी हो, सोल्जर हो, आपने एक माइंड सेटअप करिए, आप मन में आप तैयारी रखिए कि आपको करना क्या है। जितना गजब दिनेश जी का साइकिल से प्रचार करने का यह स्टाइल है, उतनी ही गजब उनकी शिक्षा है। दिनेश जी के पास 6 से 7 डिग्रियां हैं, उन्होंने 4 विषय में एमए भी किया है। अगर ये साइकिल देख के आप दिनेश जी को ये समझ रहे हैं कि इनके पास पैसे की कमी है या शिक्षा की कमी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिनेश जी आप बताइए जनता को कि आपने शिक्षा आपकी कितनी है? सर, हम शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से, समाज में बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से कि शिक्षा शेरने का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा, इस उद्देश्य से मैंने मन लगा के पढ़ाई किया, जिसके तहत आपने देखा कि मेरा पर्चा आपने पढ़ा है जी। 4 विषय से मैंने एमए किया है, बीएड, एलएलबी और एमकॉम, पीजीडीसीए, आधुनिक कंप्यूटर ज्ञान भी प्राप्त किया मैंने। दिनेश जी ने इतनी डिग्रियों में
इतनी डिग्रियां उन्होंने पा के रखी हुई हैं कि मैं गिनूंगा तो 5-6-7 कितनी डिग्रियां हैं। लेकिन आप सोचिए, मेरे ख्याल से तो राजनीति में इतना पढ़ा लिखा इतनी सारी डिग्रियों के साथ किसी प्रत्याशी को आपने तो शायद ही देखा होगा, उसके बाद भी एक छोटी सी साइकिल से अपनी पार्टी का दिनेश जी प्रचार करते हैं। लोकल 18 के साथ भरत तिवारी, जबलपुर।